एक बार जरा टेक एम को देखिए, आपकी स्क्रीन पर करीब 1152 पे आके ट्वीट करता हुआ, इसने 10 दिन से रिकवरी ली, अभी तक कैंडल रेडी ही है, पर आपका कोई व्यू यहाँ पर? वीरेन जी, लगता है यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिलेगा और जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 1180 का। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा, ये 1150 जो इसका 10 DM है, इसी लेवल पे जो पिछले 3 दिनों में हमने करेक्शन दिखा, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 10 DM और यहाँ से एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए 1180 तक। तो स्टॉप लॉस लॉन्ग का होगा 1140 का। तो यहाँ पे इट्स स्टिल अ बाय इन टेक महिंद्रा। स्ट्रक्चर में जो वीकनेस आया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैंडेड ऑन एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो यहाँ पे इट्स स्टिल अ बाय इन टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा पे बाय है और स्विंग प्रोस्पेक्टिव से हम कोई बहुत बड़े ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंट्राडे से रिकवरी और एक स्विंग शायद ऊपर ले जाए। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में कॉस्ट स्विंग आया है, दी हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, बट मेरे को जो स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है इस वक्त, दैट्स ICICI बैंक। मानस ICICI बैंक 951 कल की पूरी हायर शेयरों को इस वक्त डोमिनेट करता हुआ, कल की हाई को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ, अभी आपका कोई व्यू इस पर या कोई ट्रेड प्रोस्पेक्टिव? तो देखिए, बॉटम तो डेफिनेटली बनाया है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे ही कल सपोर्ट लिया था, वहां पर हमने रिकवरी भी देखी थी लोअर लेवल से। आज के पैटर्न भी वही बताते हैं कि जो कल का लो था उसको ब्रेक नहीं किया 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, फिर से सपोर्ट लिया ICICI बैंक ने। अब केवल इंतजार कर लीजिए कल के हाई को ब्रेक करने का। 954 के ऊपर ICICI बैंक में खरीदारी करेंगे 944 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपके जो टारगेट रहेंगे, अब अगर 54 ब्रीच होता है तो कम से कम 980 या 82 तक के टारगेट आपको ICICI बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ब्रेकआउट पे 954 के ऊपर खरीदारी करेंगे। देखिए, मिड कैप आईटी में अच्छी खासी बाइंग शुरू हुई है, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लग रहे हैं एफएनओ में वो हैं बिरला सॉफ्ट, एलटीआई माइंडट्री अब निफ्टी का स्टॉक है, मतलब होने वाला है, तो इसके लिए उसको मिड कैप में नहीं गिना जाएगा, लेकिन वहां पर भी स्ट्रेंथ है अच्छी खासी। और उसके अलावा टेक महिंद्रा इस समय डे हाई पर, और एक बार इन्फोसिस लेकर आइए, इन्फोसिस डे हाई पर। निफ्टी आईटी इनफैक्ट अब घूम गया, पूरा का पूरा निफ्टी आईटी घुमा अब, और लगातार 3-4 दिन के डिक्लाइन के बाद अब निफ्टी आईटी में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर। मानस, हमने इन्फोसिस पर ट्रेड पिक किया था और आपका व्यू था कि इसको चेज करेंगे, कहाँ तक जा सकता है इन्फोसिस यहाँ से? देखिए, जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और अगर हम पोजिशनल बेसिस की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको 1375 के टारगेट सेट करने हैं इन्फोसिस में। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेटअप की बात करें और आपके पास पोजिशनल टाइम फ्रेम है, अगर आप करीब 3-4 हफ्ते होल्ड कर सकते हैं पोजिशन को, तब तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1420 है वो आपको टारगेट सेट करने हैं। तो अभी भी खरीदारी करने के ही मौके इनपी में दिखते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई